नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। डेली डायरी की टीम आज पहुंची है महर्षि यूनिवर्सिटी। क्या कुछ खास है इस यूनिवर्सिटी में, आइए आज हम आपको बताते हैं। अस्तु मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या, इस सूक्त को चरितार्थ करने के लिए हमारी उपद्रष्टा महापुरुषों ने अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ से ज्ञान का संकलन कर संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान के प्रकाश पुंज से प्रकाशित करने के लिए अध्ययन केंद्रों की स्थापना की। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक एवं प्रवर्तक शिखर सूर्य शिरोमणि महर्षि महेश योगी ने भवती चेतना से समृद्ध महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की। दिस कैंपस वी बिल्ट फॉर यू नो डिफरेंस अमंग द अदर्स, लाइक वी हैव सम इनोवेटिव कोर्सेज, सम डिस्टिंक्टिव कोर्सेज। इट्स नॉट लाइक यू नो व्हाट एवरीबॉडी इज ऑफरिंग। You know, the School of Animation, you will not find it everywhere. School of Data Science, that we are the pioneer in starting data science in the industry oriented program in the, you know, university level. Now, law, you will find a lot of places law are being taught, but our law school is also a different. The difference is like, you know, we produce corporate lawyers, not general lawyers. नोएडा के सेक्टर 110 में स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व को अपने ज्ञान के गौरव से अभिसिंचित कर रहा है। पाश्चात्य दर्शन से भी आगे की सोच रखकर स्कूल ऑफ डेटा साइंस की शुरुआत करने वाला महर्षि विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ एनिमेशन जैसे विषयों के लिए जाना जाता है। सर, महर्षि विश्वविद्यालय में क्या डिफरेंट है लॉ के बारे में? महर्षि लॉ स्कूल में जो कुछ हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो इट इज़ मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड। फॉर एग्जांपल, आप पाएंगे कि लॉ लौती ऐसी फील्ड है जिसके अंदर जो आप पढ़ते हो और जो प्रैक्टिस करते हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम अपने बच्चों को वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो उस तरीके से, ताकि जो वो पढ़ रहे हैं उसको वो एप्लीकेशन बेस्ड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिट्स में देखोगे, देयर इज अ रिट बाय द नेम ऑफ हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। अगर आप किसी लॉ स्कूल के बच्चे से पूछोगे वो हैबियस कॉर्पस का मतलब बताएगा, प्रोड्यूस द बॉडी, अब उससे पूछोगे इसका मतलब क्या निकला है, लॉ स्टूडेंट आप क्या समझते हो, तो वो नहीं समझा पाता। जबकि हैबियस कॉर्पस जितनी भी रिट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा वाइडली यूज रिट होती है, और इसके इतने वाइडर इम्प्लीकेशन हैं कि कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करे किसी का बच्चा किडनैप है, कोई डिटेन्ड है, लापता है, तो आप हैबियस कॉर्पस फाइल करके आप हाईकोर्ट का इंटरवेंशन कर सकते हो उस बच्चे को ट्रेस करने में, पुलिस को कंपेल करने के लिए एक्शन लेने में। तो हम जो भी लॉ पढ़ाते हैं उसको एप्लीकेशन बेस करके सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो लॉ में आपने पढ़ा उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, हम अपने बच्चों को पहले साल से, आप देखेंगे कि हर लॉ स्कूल में सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज करते हैं वो बताते हैं हमारी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हम महर्षि लॉ स्कूल में हम बताते हैं कि हम प्लेसमेंट ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लॉ स्कूल है, वी नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी। लेकिन हम इन 5 साल में जो आपको कुछ पढ़ा रहे हैं वो आपको इंडस्ट्री में इस लायक बनाता है कि कल को आपको जॉब नहीं ढूंढना पड़े, पीपल सर्च यू फॉर जॉब। पहले साल से हम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो ऐसे इश्यूज पे, पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स के ऊपर, ऐसे इश्यूज पे लिटिगेशन में जो हम पढ़ा रहे हैं उसको इस्तेमाल करें, ताकि पहले सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, सेमेस्टर से वो कमाना शुरू करें या नॉलेज गेन करना शुरू करें कि जो उन्होंने सीखा उसको कैसे अप्लाई किया। सर, लॉ कहते हैं काफी जटिल होता है, क्योंकि आजकल के जो भारत के जो क्राइम्स की बात करें या कॉर्पोरेट सेक्टर की कहीं की बात करें, तो बहुत सी, तो उन बच्चों को जटिलता को आसान कैसे करते हैं? मैं इस बात से डिफर करता हूँ। मेरे हिसाब से लॉ जटिल नहीं है, लॉ इज कॉमन सेंस। अगर आप देखेंगे आपकी कॉमन सेंस बहुत अच्छी है तो आपको लॉ बहुत अच्छा आता होगा। और इसका सबसे सटीक उदाहरण आज की तारीख में सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने हिंदुस्तान में जितनी सबसे बढ़िया, सबसे नामी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रखी है किसी ने नहीं कर रखी, और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने लॉ नहीं कर रखा। तो बिना लॉ किए वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो तभी कर सकते हैं क्योंकि उनमें कॉमन सेंस, अगर आप उनके आर्ग्यूमेंट्स पढ़ोगे, सुनोगे, तो आप पाओगे कि उनका जो कॉमन सेंस कोशेंट है वो बहुत बढ़िया है। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपको पहले कॉमन सेंस डेवलप करनी है, उसके बाद लॉ डेवलप करना है। लॉ आपको सिर्फ ये बताता है कि कौन से सेक्शन में आपको, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपको पता है कॉमन सेंसिकली कि ये क्राइम है, लॉ ये मदद करता है कौन से सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर होनी है, आपको प्रोसेस के अडॉप्ट करना है। तो हम बच्चों में कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन जो है इन द लर्निंग ऑफ लॉ, वो हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि वो डेवलप करें। थैंक यू। स्पेशली एनिमेशन
दो चीज़ को लेकर रहे, इसमें क्रिएटिविटी प्लस टेक्नोलॉजी। मैक्सिमम लोग जो समझते हैं, जो जैसा समझता है, टेक्नोलॉजी मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ऑपरेटर उसको हैंडल कर रहा है, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है वो सिखाया जाता है। बट क्रिएटिविटी जो है वो डिफरेंट है, उसका बेस क्रिएटिविटी है, बस उसका मीडियम जो है वो टेक्नोलॉजी है। हमारा जो टारगेट है स्पेशली क्रिएटिव बेस एजुकेशन है, जो कि हम सॉफ्टवेयर बेस एजुकेशन नहीं है। सॉफ्टवेयर जो जरूरत है मीडियम के हिसाब से उसको यूज़ किया जाता है, बट जो स्टार्टिंग है, फाउंडेशन जो है वो क्रिएटिव बेस है। अदरवाइज बाकी इंस्टीट्यूट पे हम देखते हैं जो शुरू से ही सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बट सॉफ्टवेयर लिमिटेड है ना, एक हर सॉफ्टवेयर का एक लिमिटेड है और सॉफ्टवेयर बदलता रहता है, रेगुलर बदलता रहता है, बट क्रिएटिविटी कभी बदलता नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोसेस आपका फास्ट कर देता है। सपोज आप 100 लाइन एक सेकंड के अंदर वो 100 लाइन मार देगा, बट कौन सा लाइन कितना बड़ा होगा और कौन सा लाइन कितना छोटा होगा वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। वो विजुअलाइजेशन इसलिए पहले हम आर्टिस्ट बनाते हैं, देन टेक्नोलॉजी को सिखाते हैं। डेटा साइंस इज एन अपकमिंग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, बेसिकली कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइज्ड इन डेटा साइंस। इट्स वेरी वास्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ द डेटा एनालिसिस which is based on the statistics and mathematics. If you consider over at, if I use my computer skills on statistics and mathematics along with the usage of database, so that makes how to analyze my data. So that is my data science as a whole. So near future would be the machine learning and AI, because this study says that in next 20 years the jobs that would be in the market would be for artificial intelligence. This course is very new for country like for India, data science. So what is the responses of students and how many are coming into the field of the data science? So basically it is not, I wouldn't say it is new in India, basically it is new in the educational field in India. So the work has already been going on and we are preparing our students for the next future. That is because now we have so much of data in the market which is available, and we are saying that in next 20 years we have the boom of artificial intelligence in the market. So we are preparing our students, or we are preparing the generation of India to go ahead with it so that they are prepared for the new future. कईकर में फैला हुआ विश्वविद्यालय आधुनिकतम तकनीकी सहयोग, विश्व स्तरीय क्लासरूम, छात्र और छात्राओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित आवासीय व्यवस्था, कैंटीन, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, जिम सहित अन्य उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं से युक्त है। स्टूडेंट वेलफेयर हमारी यूनिवर्सिटी के हर प्रोग्राम का फोकल पॉइंट रहता है। देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड लाइफ स्किल्स व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस मॉड्यूल दैट वी वर्क। सो अपार्ट फ्रॉम द ग्रीवेंस हैंडलिंग, एंटी रैगिंग एंड अदर हैरेसमेंट कमिटीज एंड प्रमोशनल कमिटीज व्हिच वुड इंक्लूड यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, we run this program called the Science of Consciousness, wherein we are developing the whole man concept, wherein we are also focusing on the happiness quotient of people. So tomorrow when they join industry, when they are you know professionals and adults, they are happier people, their approach towards life is more positive and motivated, and not just people doing a certain set of you know jobs out there. So we want to cater to the problem of people getting burnout these days. That is where the student welfare department or the student welfare team as such comes in place. And starting from any complaints that students have, any experience sharing, counseling required, all those activities would be a part of the office of student welfare. Minimum kitni complaints aate honge usme ye? Itna zyada nahi hai, but we are looking at say about one odd case here and there across the year. Other than that, because of the regular interactions that we have, so SOC is an everyday module wherein we are counseling and talking to students, so we keep the complaints bit at the minimal with that. Maharashtra University of Information Technology ki lokpriyata ka andaaza isi baat se lagaya ja sakta hai ki School of Data Science, School of Law aur School of Graphics mein padhne wale bacche desh aur duniya ki pratishthit companies mein apne career ki shuruaat kar desh ka naam garv se uncha kar rahe hain, जिसका श्रेय जाता है यूनिवर्सिटी के चांसलर अजय प्रकाश श्रीवास्तव एवं उनकी टीम को। हमारे साथ मौजूद हैं महर्षि यूनिवर्सिटी के चांसलर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, उनसे जानते हैं कि आखिरकार किस सोच की वजह से आज महर्षि यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई है। सर, महर्षि यूनिवर्सिटी के पीछे की सोच क्या है, आखिरकार स्थापना से पहले ऐसी कौन सी सोच थी जिसने इस यूनिवर्सिटी को
हमारे पूरे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी बना रखा। ऐसा है, ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत एक ग्रुप है महर्षि महेश योगी जी की, जो संस्था है महर्षि महेश योगी जी ने करीब 60 साल पहले से पूरी दुनिया में भावातीत ध्यान या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन योग इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और शुरुआत में लोगों को भावातीत ध्यान योग का के बारे में ट्रेनिंग दी, सिखाया, और उससे लोगों को बड़े फायदे हुए। तो इन्होंने इसके महर्षि जी ने फिर पूरे धीरे धीरे करके शुरुआत तो करी भारत से, फिर अमेरिका से, लंदन से, जर्मनी, धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में करीब करीब 192 देशों तक इसको फैलाया, जहाँ लोगों ने भावातीत ध्यान का अभ्यास किया, भावातीत ध्यान सीखा, उसका अभ्यास किया, उसके द्वारा उनके डेली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में उनका बहुत पॉजिटिविटी बढ़ी, बहुत सकारात्मक उनमें चेंजेस आए, हेल्थ भी अच्छी हुई। तो उससे इसका जो सिद्धांत था कि वो ये हुआ कि लोगों को यदि भावातीत ध्यान लोग करेंगे तो फ़ायदा होगा इंडिविजुअली। फिर उसके बाद सिद्धांत को थोड़ा और आगे डेवलप किया गया कि यदि साथ में बैठ के ध्यान करेंगे सब लोग एक साथ तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक अंग्रेजी की कहावत है कि पार्ट्स आर होल इज़ मोर देन द कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। तो जब सारे लोग एक साथ ध्यान करेंगे तो उस समय ये निष्कर्ष, उसमें वैज्ञानिक लोगों ने उसके वो भी किए, परीक्षण भी किए कि जब एक शहर में 1% से ज़्यादा लोग ध्यान करते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ती है, क्राइम रेट कम होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, एक्सीडेंट्स रेट कम होते हैं। तो ऐसा लोगों ने 700 देशों में जब इसकी स्टडी करी तो ये पाया गया कि ऐसी कोशिश करी जाए कि लोग बैठ के एक साथ ध्यान करें। तो उस मुहिम के अंतर्गत कि लोग एक साथ बैठ के ध्यान करें, यह हुआ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ बच्चों को शुरू से ध्यान भी कराया जा सकता है और एक ग्रुप भी हमेशा तैयार रहता है। तो बच्चों और जो साइंटिफिक रिसर्चेज हुई थी कि विद्यार्थी जब ध्यान करते हैं तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, रिलेशन विद टीचर एंड स्टूडेंट्स इंप्रूव होते हैं, को अपने दोस्तों के रिलेशन अच्छे होते हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट निकले भावातीत ध्यान के प्रैक्टिस के लिए। तो यह हुआ कि स्कूल्स बनाए जाएँ, तो हमारे महर्षि ग्रुप के भारत में करीब 175 स्कूल हैं जो महर्षि विद्या मंदिर के नाम से जाने जाते हैं, और लगभग हर स्टेट में स्कूल हैं। तो उससे जो है ये हुआ कि बड़ा ग्रुप एक साथ मिल जाता है। कई स्कूलों में तो कम बच्चे होते हैं, 300-400 भी होते हैं, 500 भी होते हैं, कहीं 5,000-7,000 भी होते हैं। तो एक बड़ा ग्रुप बच्चों का बैठ के जो ध्यान साथ में करता है और सुबह शाम करता है। तो हमारे जनरली स्कूलों में देखा गया कि जो विद्यार्थी होते हैं उनकी स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, बट लर्निंग एबिलिटी बहुत इम्प्रूव होती है। महर्षि यूनिवर्सिटी उसी एजुकेशनल प्रोग्राम का एक एक्सटेंशन है। एक यूनिवर्सिटी महर्षि जी के नाम से मध्य प्रदेश में है, उसका नाम है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जहाँ पे भी उसमें भी बहुत विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है। ये यूनिवर्सिटी है महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका जो एक कैंपस इधर है नोएडा में, एक लखनऊ में है, और इसमें भी शिक्षा जो है लगभग सभी तरह की दी जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज जैसे एनिमेशन का एक बड़ा अच्छा कोर्स है हमारे यहाँ, जिसमें एनिमेशन सिखाते हैं, डेटा साइंस अच्छा कोर्स है यहाँ पे। तो इस तरह से कोर्सेज अच्छे, लेकिन हमारे जो मुख्य उद्देश्य सारे यूनिवर्सिटी या स्कूल या जो भी कॉलेजेस सबके पीछे ये है कि एक ग्रुप में बैठ के लोग भावातीत ध्यान करें और भावातीत ध्यान के जो अच्छे परिणाम हैं वो समाज में जाएं। बिल्कुल सर, ध्यान अपने आप में बहुत अच्छे परिणाम आते हैं उसके। सर हमने आपकी यूनिवर्सिटी देखी, यहाँ पे मेडिटेशन हॉल भी है, तो जब बच्चे आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, मेडिटेशन के प्रति आप उन्हें जागरूक करने के लिए क्या कुछ विशेष क्लासेस हैं, स्टूडेंट की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है मेडिटेशन पर? ऐसा है, एक तो जब हमारे बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं हमारे यहाँ पेरेंट्स के साथ, तो उनको पहले ही बतलाया जाता है कि आपको भावातीत ध्यान सिखाया भी जाएगा, आपको अभ्यास भी कराया जाएगा। फिर इसके महर्षि जी ने शिक्षक बनाए हुए हैं, इसका उसको बोलते हैं टीचर्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, या शॉर्ट में इनिशिएटर बोलते हैं। इनिशिएट मतलब इनिशिएशन करना, मतलब भावातीत ध्यान सिखाना, उसको इनिशिएशन बोलते हैं। तो इनिशिएटर बोलते हैं, वैसे तो टीचर ऑफ टीएम बोलते हैं उनको। तो वो लोग जब बच्चे आते हैं जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम के समय, उनको टीएम के बारे में समझाया जाता है, लेक्चर दिया जाता है। करीब करीब एक टीएम का लेक्चर जो है उसको पूरे अच्छे से समझाने में किसी भी व्यक्ति को 1 घंटा लग करीब एक लेक्चर होता है, जो मैंने आपको बताया तो 2 मिनट में बता दिया। तो उसको सब बतलाया जाता है भावातीत ध्यान के बारे में। तो जो विद्यार्थी आते हैं उनको, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है, फिर उनको सिखाया भी जाता है। भावातीत ध्यान बहुत सरल प्रक्रिया है, उसको घर में 2 बार सुबह शाम करना है। तो उसको सीखने में लगते हैं 5 दिन, 5 दिन उनको बच्चों को ये समय विद्यार्थियों को दिया जाता है।
कि वो हमारे जो जो ट्रेंड शिक्षक हैं मेडिटेशन के, टीएम के, भावती ध्यान, अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं, के जो ट्रेंड शिक्षक हैं वो उनको शिक्षा देते हैं भावती ध्यान की 5 दिन तक। 5 दिन के बाद जो है और वो फिर अपने से घर में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड होते हैं, यदि कोई बोलते हैं बड़ी अच्छी चीज़ हम भी सीखना चाहते हैं, तो हम लोग उनको भी सिखाते हैं। जो हमारे शिक्षक जो नए भर्ती होते हैं, कभी कभी नए टीचर भर्ती होते हैं, उनको भी सिखाते हैं। तो हमारे यहाँ एक जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भी सिखाते हैं। सर, महर्षि यूनिवर्सिटी ऐसा नाम है जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, जो गरीब तबके से लोग आते हैं, क्या उनके लिए विशेष योजना है, कुछ विशेष प्रबंध है जो मुख्य धारा से जुड़ पाए? ऐसे कुछ कुछ होते हैं जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए हम लोग स्पेशल केसेस में स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं उनको। आजकल तो सरकार की भी बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, सरकार की बहुत सी योजनाएं होती हैं। हमने सुना था इधर दिल्ली गवर्नमेंट 10 लाख रुपए तक देने को तैयार है बच्चों को परीक्षा पढ़ाई के लिए। तो कुछ सरकारी योजनाओं से उनको राहत मिल जाती है, कुछ हम लोग अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। कुछ विशेष कोटा है कि इतने 10% आप? नहीं, ऐसा नहीं है, वो केस टू केस बेसिस पे होता है, स्पेशली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए होता है। ऐसा कोई विशेष कोटा हमने नहीं बनाया है अभी, क्योंकि हम लोग अभी, हम 3-4 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है हमारी, अभी 5वां साल हो रहा है मेरे ख्याल से अभी, तो धीरे धीरे करके उसको डेवलप करके वो भी करेंगे। भविष्य की क्या योजना है? योजना है कि हमारे जो जो यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया यूनिवर्सिटी का, वो उसका यही है कि हम जो विद्यार्थी आएगा उसका समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका हो, और वो फुल, ही शुड बी एबल टू यूज़ फुल पोटेंशियल ऑफ हिज फुल पोटेंशियल माइंड का, बॉडी का। तो ग्राउंड पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ध्यान देते हैं, तो फुल पोटेंशियल ऑफ द पर्सन, फुल पोटेंशियल ऑफ माइंड, फुल पोटेंशियल ऑफ बॉडी यूज कर सके और समग्र उसका विकास हो सके। एक ही बात है, मेडिटेशन योगा तो एक ही चीज़ है। योगा मतलब शरीर के लिए होता है, मेडिटेशन माइंड के लिए होता है। तो योगा जब शब्द हम यूज़ करते हैं तो योगा में सब चीज़ समा जाती है, एक्चुअली मेडिटेशन वगैरह सब उसका अंग हो जाता है। योग के वैसे तो 8 अंग होते हैं, तो जो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं योग से, वो शारीरिक व्यायाम से, आसनों से हो जाते हैं। योगा का मतलब सब, योग मतलब सबको जोड़ना, योग का मतलब जोड़ होता है ना, तो 8 चीज़ें होती हैं योग में जिसको सबको जोड़ा जाता है। महर्षि महेश योगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को नई ऊर्जा देने का काम किया, एक नई चेतना को जगाया, उनके बारे में कुछ? महर्षि जी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, महर्षि जी ने करीब, महर्षि महेश योगी जी के गुरु थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, जो शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के हुआ करते थे। तो महर्षि जी ने अपनी पढ़ाई करके उनके पास चले गए थे और शंकराचार्य जी के अंदर में उन्होंने से दीक्षा ली, फिर उनके साथ उन्होंने सारा सीखा। फिर जब गुरुदेव 1953 में महर्षि जी के जो गुरु थे, उन्होंने, उनका समाधि का समय आ गया, तो उन्होंने महर्षि जी को कहा कि ये जो ज्ञान है, स्पेशली भारत का जो ज्ञान, भावती ध्यान का जो ज्ञान है, जिसके द्वारा, भावती ध्यान क्या करता है, आपको जो, जब शिक्षक आपको सिखाएगा तो वो चेतना की जो ऊंची स्थितियां हैं वहां तक ले जाता है आपको। चेतना की 3 स्थिति होती है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्लीपिंग, वेकिंग एंड ड्रीमिंग। ये तो आप लोग सब अनुभव करते हैं, लेकिन भावती ध्यान करने के प्रैक्टिस के द्वारा 4थी चेतना की जो स्थिति है, जिसको 4th स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, या भावातीत चेतना बोलते हैं, या तुरिया चेतना बोलते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं भावातीत ध्यान के द्वारा। तो वो जो चेतना का स्तर होता है वो प्योर, बड़ा साइलेंट और डायनेमिक दोनों होता है। वहाँ पे आदमी बड़ा बड़ा साइलेंट फील करता है और एनर्जेटिक भी होता है साथ ही साथ। तो ऐसे उसके बाद और भी, ये तो 4थी हो गई, 5वीं 6वीं 7वीं ऐसे चेतना की स्थितियाँ और हैं, लेकिन भावती ध्यान के और प्रयासों, अभ्यासों के द्वारा उस स्थिति तक आदमी पहुंच सकता है। तो गुरुदेव ने महर्षि जी कहा कि ये जो ज्ञान है भारत का, जो विद इन मिनट्स आदमी को 4थी स्टेट तक पहुंचा सकता है, ये ज्ञान कहीं नहीं है। हमारे भगवान ने गीता में वर्णन किया था अर्जुन को थोड़े से उसमें शब्दों में, और हमारे स्क्रिप्चर में ये ज्ञान है। तो इसका प्रचार सारे से, इसका लाभ सारी दुनिया में सबको मिलना चाहिए, सारी भारत में सीमित नहीं होना चाहिए। तो तुम इसको लेके सारी दुनिया में इसका प्रचार करो। तो गुरुदेव की समाधि के बाद महर्षि ने कुछ दिन अपना इंतजाम वगैरह किया कैसे जाना करें। इस ज्ञान की आप बात कर रहे हैं, क्या आज के युवा इस ज्ञान में दिलचस्पी रखता है? दिलचस्पी युवा को समझाना पड़ता है, युवा को तो कोई भी चीज़ अच्छे से समझाओगे वो करेगा। जो भारतीय सभ्यता है
कहीं ना कहीं विदेशों में तो जान जा रही है, लेकिन हमारे खुद के देश में उसका तिरस्कार हो। ऐसा नहीं, हम लोग तो देखते हैं जब सब समझाते हैं लोगों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को, तो सब समझते हैं कि अच्छी चीज़ है। अच्छा, उसमें समझाने का भी क्या है, इतने भावातीत ध्यान के ऊपर इतने साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं, करीब 600-700 रिसर्चेज हुई हैं जिनके द्वारा ये पाया गया कि इससे कितने बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस कम होती है। तो हमारे जो नॉर्मल, यदि सड़क पे आप चले जाओ किसी पूछो तुम्हें कोई स्ट्रेस है, सबको बोलेंगे है, सब तरह की स्ट्रेस सबको होती है, विद्यार्थी को पढ़ाई की, परीक्षा की, पढ़ने के बाद नौकरी की, नौकरी लग जाए तो घर के सामान की, शादी होने की, फिर बच्चे होने की, हेल्थ की बहुत स्ट्रेसेस होती हैं। तो स्ट्रेसेस तो हर जीवन में हर व्यक्ति को होती हैं, तो यदि हम उसको किसी ढंग से स्ट्रेस को मैनेज करके रिड्यूस कर सकें तो क्यों ना करें। इससे अच्छा ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा स्ट्रेस रिड्यूस करने का, 5 दिन में सीख लो घर में, सुबह शाम 20 मिनट, 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम आप करो, इससे अच्छा क्या आपको हो सकता है स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का साधन। कोई खर्चा भी नहीं है, जो सीखने का खर्चा होता है वही होता है, जो फीस होती है टीचर्स की, वो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कंपेयर टू दी मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेता है आदमी, कभी हार्ट की भी उसकी लेता है, कभी इसकी लेता है, उसके कंपेरिजन में सिर दर्द होता तो एस्प्रिन खाता है, तो और उससे फिर किडनी खराब हुए, फिर ये खराब हुए, जितनी पेन किलर लोगे उतना नुकसान होएगा। तो उस सबसे तो अच्छा आप इसको करो घर में तो ठीक रहेगा। उसके बाद जब स्ट्रेस के कारण क्या होता है, स्ट्रेस के कारण जो थिंकिंग है वो भी डैम्पन हो जाती है, ओवरशेडो हो जाती है, तो प्रॉपर थिंकिंग नहीं होने से प्रॉपर एक्शन नहीं होता है। और जब आप की थिंकिंग क्लियर होगी, क्योंकि ये जो एक्शन होता है ना, एक्शन का बेसिस होता है थॉट। कोई भी हम कार्य करेंगे तो नीचे से उसका बेसिस जो होगा वो कोई एक विचार होगा, उस विचार के बाद हम उस कार्य को करेंगे। विचार यदि हमारे सही होंगे तो कार्य भी सही होगा। विचार सही कब होंगे, जब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो हम सही सोच पाएंगे, तब आप सही सोच पाएंगे, जब सही सोचेंगे सही कार्य होगा, सही कार्य होगा तो सफलता मिलेगी आपको। तो इस ये जो युवा की आप बात कर रहे हैं, तो युवा को क्या चाहिए, सफलता चाहिए ना जीवन में, तो जीवन में सफलता के लिए तो आपको भावातीत ध्यान से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। समाज के शैक्षणिक उत्थान के समर्पित भाव से सेवारत महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चांसलर अजय प्रकाश श्रीवास्तव भारत की गौरवशाली आध्यात्मिक भव्यता को समेटे हुए दूरदर्शी सोच के साथ आधुनिक विषयों की महत्ता को समझते हुए विश्वविद्यालय का कुशल नेतृत्व भी कर रहे हैं।